छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के सिविलियन के लिए यहाँ पूरे प्रदेश में शिक्षा कर्मियों ने विभिन्न अभियान जारी रखे हैं। वहीं सिविलियन सेल्फी विथ वॉल पेंटिंग व बैनर के मुहिम से जिले के शिक्षा कर्मी जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ब्लॉक मनेंद्रगढ़ के संचालक अभय तिवारी के नेतृत्व में मनेंद्रगढ़ विकास खंड के शिक्षा कर्मियों ने बैनर व वॉल पेंटिंग के द्वारा अभियान को आगे बढ़ाया। 11 मई के सिविलियन महापंचायत के निर्णय अनुसार जिले में 26 मई के संकल्प सभा की तैयारी भी शुरू की गई है। ब्लॉक संचालक ने बताया कि जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र में वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। तीनों विधानसभा मुख्यालय में 26 मई को संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सिविलियन को आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम बनाने का भी तैयारी शुरू कर दी गई है। संकल्प सभाओं के जरिए शिक्षाकर्मी अपने आंदोलन के साथ ही साथ समांतर रूप से आम लोगों के बीच भी अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे और सरकार की तरफ से किए जा रहे छलावे की भी जानकारी आम लोगों को देंगे। जिले के सभी विकास खंडों में सिविलियन के लिए चलाए जा रही मुहिम गति पकड़ती जा रही है। सिविलियन के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग संघ कर रहा है। इस बार सिविलियन से कम कुछ भी मंजूर नहीं के नारे पर वे संकल्प लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा मिशन हमारा सिविलियन के संकल्प के साथ 26 मई को जिले में संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। विकासखंड मुख्यालय बैंकुटपुर में मोर्चा खोला जाएगा कि अब वही सरकार छत्तीसगढ़ में रहेगी जो शिक्षा कर्मियों का सम्मिलियन कर उनको सम्मान दिलाएगी और हम उसी का समर्थन भी करेंगे। इसके लिए अब गांव-गांव में हमारे मोर्चा की तरफ से जो है एक संकल्प दिवस या संकल्प यात्रा मनाई जाएगी और उसमें हम अपने पुराने पढ़ाए हुए विद्यार्थियों को और अभी जो हमारे विद्यार्थी हैं उन सभी के अभिभावकों को नागरिकों को बुलाएंगे। सरकार की जो हमारे प्रति जिस प्रकार की कार्यवाही सरकार कर रही है उन सभी बातों से उनको अवगत कराएंगे और अपनी बात को वहाँ सुदृढ़ करेंगे। सरकार को हम अपनी बात मनवा करके ही छोड़ेंगे, शिक्षकों का सम्मान वापस ला करके ही छोड़ेंगे। संघर्ष है संविलियन के जो कि निरंतर हम लोग 20 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और आज जब हमारे मातृ स्टेट MP जो उसने संविलियन दे दिया है उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में आज तक मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने आज तक घोषणा नहीं की है संविलियन की, जिसको लेकर के ये हम लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ है कि हमें संविलियन करें। वो इस चुनाव में से पहले हमको हमारा संविलियन हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए और अगर अधिकार नहीं मिलता तो क्या करेंगे तो बिल्कुल इसके आगे चरणबद्ध तरीके से हमारे कार्यक्रम सुनियोजित है। हम उस तरीके से काम करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। किस तरह का विरोध रहेगा आप लोग का? रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से हमारे हमें निरंतर विरोध रहे हैं। जैसे मशाल रैली निकाल करके हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। 26 तारीख को इसके इस पर संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस दिन सारे शिक्षा कर्मी साथी अपने परिवार के साथ उपस्थित होकर के संकल्पित होंगे। कोरिया से धीरेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।